एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बूस्टर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन होता क्या है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए जो भी पर्सन के थ्रू या मेंबर्स के थ्रू ईयर बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर जो भी फी पे की जा रही है या जो भी अमाउंट पे की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए किसी भी पर्सन को जो भी अमाउंट पे करनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। ये क्या होती है, मेंबरशिप फी होती है जो कि मेंबर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को पे की गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या हुई, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुई, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ध्यान रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, क्योंकि ये मेंबर्स के थ्रू रिसीव्ड हो रही है और मेंबर्स के थ्रू मिल रही है, और ये मिल रही है एनुअल बेसिस पर। तो इसलिए ये हुई रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि ये नहीं है कि आपको मेंबर बनने के लिए आपने एक बार पे करा तो आप पूरे टाइम जो है मेंबर बन जाएंगे। उसका अलग केस होता है। अगर आपको पूरा होल मेंबर बनना है, पूरे लाइफ मेंबर बनना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए आपको लाइफ मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है कि एक बार पे करा आपने तो लाइफ मेंबर बन गए, तो वो हुआ कैपिटल नेचर का, उसको भी हम समझेंगे। बट अभी हम समझ रहे हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि ईयरली बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, जिसको हम कहते हैं मेंबरशिप फी, और उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब क्या हुआ इसका कि ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, क्योंकि मेंबर्स के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। सब्सक्रिप्शन इज ए मेंबरशिप फी पेड बाय दी मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, मेंबर्स के थ्रू जो भी अमाउंट दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन को, किसके लिए, मेंबरशिप फी या मेंबर बनने के लिए, उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। तो अब ये क्या हुआ, ईयरली बेसिस पे की जा रही है, तो ये हुआ रेवेन्यू नेचर का। क्योंकि कैपिटल नेचर का ये तब होता है जब एक बार हमने पे करा तो अब हमें पे करना ही नहीं है, बट यहाँ पे ईयरली हर ईयर के बाद पे करना पड़ेगा, तो ये हुआ रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का, या आप इसको कह सकते हैं रेवेन्यू इनकम। हम इसको ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू इनकम, क्योंकि हमारी रेवेन्यू नेचर में हमारी रेवेन्यू इनकम्स भी हो सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये हुआ इनकम, क्योंकि ये है इनकम और ये हुआ हमारा रेवेन्यू इनकम। तो अब इसके हम रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ना कि मेंबर्स के थ्रू एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें इसमें अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो हमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें मेंटेन करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की रिकॉर्डिंग हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ शो करेंगे, समझते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पर कहाँ आएगा, क्योंकि ये क्या हुई, इनकम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे इनकम्स या रिसिप्ट्स कहाँ आती हैं, या ये आती है हमारी कहाँ पर, रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट कहाँ होती है, डेबिट साइड में। तो ये आएगा डेबिट साइड में, रिसिप्ट में। क्या आएगा यहाँ पर रिसिप्ट्स में, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की रिकॉर्डिंग हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में करेंगे, जहाँ पे की सारी रिसिप्ट्स आती हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि रेवेन्यू नेचर है। रेवेन्यू नेचर का पता हमने क्यों करा, क्योंकि हमें अगर ये कैपिटल नेचर होता तो हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर आते हैं, और वो किस ईयर से रिलेट होने चाहिए, वो करंट ईयर से रिलेट होने चाहिए। जैसे कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप सारे जितने भी अलग अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको आप अच्छी तरह और इजीली उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन अकाउंट्स में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से नेचर के आते हैं, रेवेन्यू नेचर के आते हैं, और वो सारे करंट ईयर से रिलेट होने चाहिए। अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेट होने चाहिए। कैश ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं।
बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि कैपिटल नेचर का भी हो सकता है और रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर है ये तो दोनों में आएगा, क्योंकि इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। और ये जो होती है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर से भी और करंट ईयर से भी और नेक्स्ट ईयर से भी, किस में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो कहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आएगा इनकम साइड में, और इनकम साइड कहाँ आती है, ये आती है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ये होती है इनकम साइड। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो। अब हमें बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में हमें सब्सक्रिप्शन तो नहीं दिखाना, बट कई बार क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो जाता है या हम एडवांस में हमें क्या होता है रिसीव्ड हो जाता है। आउटस्टैंडिंग हुआ मतलब ड्यू है, किसी भी मेंबर्स ने, कोई कुछ भी मेंबर्स हो सकते हैं, उनके थ्रू जो है अभी तक पे ही नहीं किया गया तो वो हुआ आउटस्टैंडिंग। अगर उन्होंने एडवांस में पे कर दिया मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में रिसीव्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स पे करेंगे बट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा रिसीव्ड होगा, एडवांस में रिसीव्ड होगा, तो उसका क्या करेंगे, उस पर हम करेंगे बैलेंस शीट में शो करेंगे उसको। बैलेंस शीट में ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारी एसेट्स होती हैं और होती है लाइबिलिटी, दो साइड्स होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या आएगा और लाइबिलिटी में क्या आएगा, दो टर्म समझी हमने कि हमारा हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो है इनकम, तो हमारे आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और प्रीपेड मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं बात करती हूँ आउटस्टैंडिंग की, ये क्या हुआ, इनकम हुई, सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं मिला, बट कभी ना कभी तो मिलेगा, तो वो क्या हुआ, वो हुआ एसेट्स। ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें डीपली डिस्कशन कर रखा है कि आउटस्टैंडिंग इनकम्स का क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, या प्रीपेड इनकम्स का क्या करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग जो है वो आएगा एसेट साइड में। किस केस में आउटस्टैंडिंग, अगर सब्सक्रिप्शन है तो वो आएगा एसेट साइड में। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब अभी तक हमें मिला ही नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक नहीं मिला और वो मिल जाना चाहिए, कभी ना कभी तो वो मिलेगा, तो वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हुई। बट अब आता है हमारा एडवांस में, एडवांस की अगर बात करें तो ये क्या हुआ, एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में रिसीव्ड हो गया, अभी रिसीव नहीं होना था बट अभी ही हो गया, नेक्स्ट ईयर का भी क्या हुआ, अभी ही हो गया, इस ईयर में ही हो गया, तो वो क्या हुई, वो हुई लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आएगा प्रीपेड। ध्यान रखिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो एसेट साइड में आएगा, कहाँ पर, बैलेंस शीट के। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, कहाँ के, बैलेंस शीट के। दूसरा टर्म, एक और चीज़ आती है यहाँ पर, वो ये आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि आउटस्टैंडिंग जो है वो एसेट्स में आ जाएगा और प्रीपेड जो है वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। आप इसको रटिएगा मत, इसको सिर्फ समझिएगा, अगर आप समझ रहे हैं, समझ के कर रहे हैं तो आपको ईजी होगा करने में। अगर आप रट के कर रहे हैं और थोड़ा रटने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग को हम एसेट्स में शो करते हैं और प्रीपेड को जो होता है वो हम लाइबिलिटी में शो करते हैं, किसको, इनकम्स को, तो अगर थोड़ा सा भी स्किप हुआ आपके माइंड से कि इसका क्या करते हैं तो आपका थोड़ा जो है एग्ज़ाम में जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप समझ के करेंगे तो आपको इजीली रहेगा, चाहे आप भूल भी जाएं बट आपने अगर समझ रखा है कंसेप्ट तो आपको मुझे नहीं लगता कि हार्ड पड़ेगा या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा आपके लिए। दूसरा, आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी इससे रिलेटेड। इसी वीडियो में हम कवर करेंगे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अगर जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजीली, अपने हाथ से करेंगे प्रैक्टिस तो आपको ईजीली कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
दूसरा टर्म यहाँ पे आता है कि आउटस्टैंडिंग का, कि आउटस्टैंडिंग जो होता है वो बिगिनिंग ईयर का भी होता है और एंड ईयर का भी होता है। जैसे कि हमने समझा था कि हमें बिगिनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो भी जिस भी ईयर का हमें डेटा गिवन है और उससे रिलेटेड हमें अकाउंट्स मेंटेन करें हैं, तो वो मेन जो बैलेंस शीट होगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। बट ओपनिंग बैलेंस शीट का मेन मोटिव क्या होता है कि कैपिटल फंड हमें फाइंड करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि वही कैपिटल फंड जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। अब ये मैं बता क्यों रही हूँ, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का भी यही होता है कि कई बार आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग ईयर का दे रखा होता है, डेट दी हुई होती है कि इस ईयर का जो है आउटस्टैंडिंग है। बट आपको समझना, और प्रीपेड का भी यही होता है कि इस ईयर का जो है आउटस्टैंडिंग है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिगिनिंग ईयर का है और कौन सा एंड ईयर का जो है वो करंट ईयर से रिलेट करता है। तो उसी को हम समझने के लिए यहाँ पर आप समझिए कि इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, जिससे कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, आप समझ जाइएगा कि आउटस्टैंडिंग जो है वो बिगनिंग ईयर का हो सकता है या हो सकता है एंड ईयर का। तो पहले आउटस्टैंडिंग को समझ लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी फिनेंशियल ईयर ले लेते हैं हम, जिसके हमें क्या कहा गया होगा क्वेश्चन में कि उससे रिलेटेड हमें अकाउंट मेंटेन करनी है। ये चीज़ मैं समझा क्यों रही हूँ, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन में भी हेल्प करेगा और दूसरा कि कोई से भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये टर्म समझनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इजीली जो है ट्रांजेक्शन्स को कर पाएंगे और इजीली समझ पाएंगे कि इन सारी चीज़ों का हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे और कैसे हम इनकी वैल्यूएशन को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो हम ले रहे हैं 2019-20 का, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2019 है ये, और ये है 2020। अब ध्यान रखिए कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का मतलब क्या हुआ, बिगनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2019 का आउटस्टैंडिंग है। कुछ भी हो सकता है, इनकम भी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए है, ये सब चीज़ों के लिए है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर। दूसरा, आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, तो उसमें से अगर कुछ भी इनकम ले रहे हैं जो कि ट्रांसफ़र होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर रेवेन्यू नेचर की हुई तो, या कुछ भी एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी ईयर से रिलेटेड होता है, तो हमें तो माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब हमें सिर्फ स्टोर किस डेटा को करना है, सिर्फ हमें स्टोर करना है सिर्फ हमें करंट ईयर से रिलेटेड, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको अगर फिर क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग जो है वो बिगनिंग ईयर का है, मतलब 1 अप्रैल 2019 का है, तो आप ये समझिए कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, मतलब अभी तक या तो मिला नहीं या हमने पे नहीं करा। तो वो कब पता चलेगा, इस ईयर का कब पता चलेगा आउटस्टैंडिंग है, हमें एंड में पता चलेगा ना कि पूरे साल में हमें क्या चीज़ हमें रिसीव नहीं हुई, या क्या ड्यू है, इनकम्स कितनी ड्यू है या एक्सपेंडिचर्स कितने ड्यू हैं, तो वो एंड में पता चलेगा ना। तो अगर एंड का है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि वो हुआ इस ईयर का, ऐड कर देंगे क्योंकि वो हुआ इस ईयर का। ध्यान रखिए कि आउटस्टैंडिंग जो है वो एंड का हुआ, तो वो हुआ इस ईयर का, क्योंकि इससे पहले के पहले, मतलब 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच का जितना भी हमारा ड्यू है वो हमें एंड में पता चलेगा इस ईयर में, तो वो एंड का जो होगा वो ऐड कर देंगे। बट अगर बिगनिंग का है, इसका है, तो वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, तो उसको हम कर देंगे लेस। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई हूँ कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एंड का क्या करेंगे। दूसरा होता है प्रीपेड, प्रीपेड हो सकता है बिगनिंग का, प्रीपेड भी बिगनिंग ईयर का हो सकता है
और प्रीपेड हो सकता है एंड का। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना होगा और ये तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। दूसरा, अगर ये हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे अलग चीज़ें होंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड ही डेटा को लेते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ईयर का करंट ईयर से रिलेटेड है या एंड का करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीपेड बिगनिंग जो है करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता कर रहे हैं। दूसरा आता है प्रीपेड। प्रीपेड जो है बिगनिंग, मतलब प्रीपेड ये बिगनिंग ईयर का जो है प्रीपेड है, मतलब एडवांस में है। कुछ भी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन की, तो एडवांस में सब्सक्रिप्शन जो है मिल गया। कुछ भी ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्टिंग में मिलेगा, एंड में तो मिलेगा नहीं। अगर मैं बात कर रही हूँ इस ईयर का, तो इस ईयर का एडवांस में कोई भी मेंबर्स या हम ही पे करेंगे, तो अगर हम पे कर रहे हैं तो हम शुरू में पे करेंगे ना इस ईयर का, मतलब 1 अप्रैल 2019 को पे करेंगे। बाद में तो पे नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो एडवांस कहलाया ही नहीं। फिर तो वो एग्जैक्ट उस पीरियड का कवर करने के बाद हमने उस पीरियड की अमाउंट पे करी है। अगर हमें एडवांस पे करना है तो हमें स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों की बात हो रही है। अगर एडवांस में हमने मिला है, एडवांस में अगर हमें रिसीव्ड हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड हुआ है या एडवांस में हमें हमने पे करा है, ऑर्गेनाइजेशन ने पे करा है, एक्सपेंसेस क्या करें पे करें हैं, तो वो क्या करेंगे किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, प्रीपेड बिगनिंग जो है वो इस ईयर से रिलेटेड हुआ और इसको हम करेंगे ऐड। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक छोटे से एग्जांपल से कि अभी तो लॉकडाउन हो रहा है या कोविड चल रहा है, तो उसकी वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे होंगे, बट उससे पहले आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। तो वहाँ पे ऑफलाइन में आप क्या करते होंगे कि एडवांस में पे करते होंगे। तो आपने किसी भी मंथ का अगर एडवांस पे करा है तो वो स्टार्टिंग में करते हो, ना कि आप एंड में करते हो। तो स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी कि स्टार्टिंग में ही क्या होगा, रिसीव्ड होगा या पे किया जाएगा। तो प्रीपेड बिगनिंग क्या हुआ, वो इस ईयर का हुआ, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। अब हुआ प्रीपेड एंड, तो प्रीपेड जो है वो एंड, मतलब इस डेट पे क्या हुआ है, एडवांस में कुछ मिला है या एडवांस में पे करा है। तो अगर इस ईयर इस डेट से है, एंड डेट से है, तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वो इस टाइम पर दिया जा रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर का दिया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा लेस। ये टर्म्स जो है स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है वो माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एंड जो है वो ऐड करेंगे, या ये सारी चीज़ें जो है वो रट लेते हैं। बट आप अगर समझ के कर रहे हो, आपको बेसिक कंसेप्ट ये पता चले कि हम बिगिनिंग को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं, तो आपको ईजी पड़ेगा अकाउंटिंग समझने में। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और कौन कौन से अकाउंट में हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और किस तरीके से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं कराया तो।